फ्रॉम, ये किसने भेजे आपको? सर ये रुपेंद्र ने मुझे बोला था कि ये जो है लिख के रखो, पर जब काम पड़े, जब पर्ची बनाना हो यही लिखना और यही पर्ची में यही लिख के पर्ची को बांटना। आपको नहीं लगता कि अगर कहीं और होते तो आपके साथ कोई गड़बड़ हो जाती अगर ऐसे पकड़े जाते? कहीं अगर और होते हम तो अभी हम जिंदा नहीं होते, लेकिन यहाँ पे थे, ये लोग अच्छे हैं तो मतलब अभी जिंदा है। लंगर खाया? लंगर सर, लंगर तो मतलब ये लोग जो है अंकल लोग जो है वो चाय वाय और वो लड्डू वड्डू खिला रहे हैं। बट लंगर लंगर लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि ये जो जिस लोगों ने आपसे कहा करने के लिए, आगे करोगे काम आरएसएस के लिए या जो जिसने भी आपसे कहा? सर आगे मैं अपना खुद का दिमाग लगाऊंगा और यहाँ पे ये लग रहा है कि मैंने बहुत गलती किया और गलत किया। सबसे बड़ी बात है कि इतनी भीड़ में और ये लोग जो है मुझे यहाँ पे सही से सुरक्षित से अच्छे से पेश आए और चाय पानी जिस से पिलाए, तो यहाँ से ये लग रहा है किसान, यहाँ के जो किसान है एक्चुअल बहुत मासूम है। इससे पहले किसान एजिटेशन से पहले और कहाँ कहाँ काम किया? ये सब काम किया? ये सर मेरा पहली बार था सर। आप बोल रहे हैं एक साल से काम कर रहे हैं? सर एक साल से मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी, एक साल से। ट्रेनिंग में क्या क्या है? सर मुझे ये बताया जाता था कि कोई भी बंदा मिलता है तो उसे आरएसएस के बारे में बताओ। क्या जैसे कोई भी लड़कियां जैसे मिलती हैं। अगर मान लो मैं मिला हूँ तो आप, अगर आप मुझे कन्विंस करोगे तो कैसे बात करोगे? मैं आपको ये बोलूंगा आप हिंदू हो, आप क्या बोलते हैं राम का भक्त बनो, आप भाजपा को सपोर्ट करो। जब तक मोदी है तभी तक सब कुछ है, जब तक मोदी है तब तक देश है, अदरवाइज मोदी नहीं तो देश नहीं। तो ये जैसे आप कहाँ पे कन्विंस करते थे लोगों को? जैसे नॉर्मल रैंडमली कोई मिल गया या अपने दोस्त? मतलब चलते चलते कोई मिल गया तो मैंने कन्विंस करना शुरू कर दिया। तो ऐसा होता है कि स्टेप से मतलब हमको बताया गया है कि बताया जाता था कि मतलब बोलने का तरीका भी हमको बताया जाता था कि स्टेप से बोलना ताकि उसे लगे कि मतलब ये बंदा सही बोल रहा है। और बहुत लोग जो है कन्वर्ट भी हो जाते थे। और जो रुपेंद्र है मेरे, जो मुझे जो इस फील्ड में लाया वो इसमें एक्सपर्ट है, काफी एक्सपर्ट है।